उसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। ये तस्वीर कोडरमा के पूर्व सांसद और राजद नेता मुमताज अंसारी की है, जो आज से करीब 8 साल पहले लापता हो गए थे। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई और पुलिस ने काफी छानबीन भी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन अब इस मामले में अहम खुलासा हुआ है। मुमताज अंसारी के ड्राइवर मुन्ना ने पुलिस को चौंकाने वाला बयान दिया है। मुन्ना के मुताबिक वो MP मुमताज अंसारी की हत्या का चश्मदीद है। उन्हें पहले गोली मारी गई, फिर उनका गला काटकर खाई में फेंक दिया गया। तीनों चारों खाई में फेंक दिए, लाश गला काटने के बाद फेंक दिया। यही नहीं, मुन्ना की माने तो उसे भी जान से मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन हथियारों का निशाना चूक गया और इसकी जान बच गई। इतना ही नहीं, इसका कहना है कि इस बात को राज रखने न रखने पर इसे परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई, इसलिए ये इतने लंबे समय तक खामोश रहा और वक्त के साथ साथ मामला ठंडे बस्ते में चला गया। हजारीबाग थाना में, क्योंकि अकरेंस ऑफ प्लेस यही था हजारीबाग का ही, तो उसके बाद आज करीब 8 साल हो गए और 8 साल के बाद भी हम लोगों को कुछ पता नहीं है, न कुछ न्याय मिला है और न प्रशासन ने कुछ आज तक किया है। और ड्राइवर उस वक्त था, लेकिन उसके बाद वो अचानक लापता हो गया और आज 8 साल के बाद जब ड्राइवर खुद हम लोग के पास आया और कहने लगा कि हम बयान देना चाहते हैं पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने, तो हमारा बयान जो है दर्ज करा दीजिए कि उनके साथ जो है घटना घटी थी, उसके हम चश्मदीद गवाह हैं। हालांकि इससे पहले जब ड्राइवर मुन्ना से पूछताछ की गई थी, तब इसने पुलिस को गलत जानकारी दी थी। बहरहाल पुलिस नए सिरे से जांच में जुट गई है और उम्मीद की जा सकती है कि सांसद मुमताज अंसारी के मामले की गुत्थी सुलझ सकेगी। प्रमोद कुमार, हजारीबाग, इंडिया न्यूज। तिलैया सैनिक स्कूल।